सीताराम, 11 जून 2024, पाकिस्तान और कनाडा के बीच में मैच है। इंडिया का जो टाइम है रात 8 बजे से, तो चलिए देख लेते हैं कि पाकिस्तान की टीम और कनाडा की टीम, दोनों ही टीमों के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पहले जो 6 ओवर है, क्या उन 6 ओवर में बॉलिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी या बैटिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी। क्या पहले 6 ओवर में बैटिंग स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्या पहले 6 ओवर में बॉलिंग स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, देखिए जो कार्ड्स ने पोजीशन दिखाई है उसके अनुसार पहले के जो 6 ओवर हैं, टीम चाहे कोई भी खेलने के लिए वहाँ आई हो, पहली टीम जो होगी वहाँ पे थोड़ा सा बैटिंग मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, नो डाउट, 1-2 विकेट चले जाएंगे, लेकिन फिर भी बैटिंग वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। मतलब पहले 6 ओवर में अच्छे रन बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अब देखते हैं जो मैच का लास्ट जो 6 ओवर होते हैं, उन लास्ट 6 ओवरों में क्या बैटिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी, क्या लास्ट 6 ओवर में बॉलिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी। ओके, यहाँ पे भी कार्ड दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों बहुत ही अच्छे साइन कर रहे हैं, बट दोनों ही चीज़ें कह रही है बैलेंस। बैलेंस बना के जो बॉलिंग पे अटैक करना चाहेगा या बैलेंस बना के जो बैटिंग से अटैक करना चाहेगा, वो चीज़ स्ट्रॉन्ग चली जाएगी, पर कहीं ना कहीं ज़्यादा उम्मीद मुझे बैटिंग से ही है। ये जो कार्ड है यहाँ पे, यदि कोई अच्छी स्टडी करके आए, यदि अच्छा कोई अच्छा प्लान बना के बैटिंग मोड पे जो आएगा लास्ट 6 ओवर में, कोई भी टीम खेल रही हो, यदि उसके दिमाग में चीज़ें क्लियर होगी कि मुझे इस तरीके से यदि मैं बैटिंग करूँगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो उस कंडीशन में बैटिंग ही स्ट्रॉन्ग दिखाई यहाँ दे रही है। अब आगे हम देख लेते हैं कि टॉस कौन सी टीम जीत सकती है। क्या 11 तारीख के मैच का टॉस पाकिस्तान की टीम जीत जाएगा, क्या 11 तारीख के मैच का टॉस कनाडा की टीम जीत जाएगा। अगर टॉस जीतने के चांसेस हमें यहाँ बहुत ही ज़्यादा कनाडा टीम के लग रहे हैं। चारों कार्ड ने कनाडा टीम को पूरा एकदम पॉजिटिव कार्ड आया है। देखिए डिवाइन की तरफ से तो जो एनर्जी शो हो रही है वो कनाडा के फेवर में शो हो रही है कि कनाडा टीम को टॉस जीतना चाहिए। कनाडा टीम मे वन द टॉस। अब आगे हम देखते हैं प्लेयर्स की प्रेडिक्शन, टैरो क्या कहते हैं पाकिस्तान की टीम और कनाडा की टीम, दोनों ही टीमों के लिए कैसा रहेगा ये मैच। सबसे पहले हम ले लेते हैं कनाडा की ही टीम को, एस मोवा। मोवा करके जो प्लेयर हैं, कैसा प्रदर्शन है, तो यहाँ पे देखिए उनकी थोड़ी सी गलतियाँ करने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। एवरेज जैसी कंडीशन है, संभल के खेलेंगे तो कुछ अच्छा कर जाएंगे, नहीं तो उनसे कुछ चूक हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। डी बाजवा, वेरी गुड। इस प्लेयर की एनर्जी बहुत अच्छी है और एंजल्स ने भी काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं, तो ये प्लेयर बहुत अच्छा हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। ए जॉनसन, वेरी गुड। नवनीत धालीवाल करके जो प्लेयर हैं, कैसा रहेगा उनका प्रदर्शन, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। वो काफ़ी अच्छा बैलेंस बना के खेलने की कोशिश करेंगे और अच्छा प्रदर्शन देखने को उनका हमें मिलेगा। दिलोन करके जो प्लेयर है, दिलोन हेलीगर, कैसा रहेगा उनका प्रदर्शन, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी टीम के लिए वो बेस्ट दें। जेरमी गार्डन ओके, ठीक ठाक सा प्रदर्शन रहेगा उनका।
थोड़ा सा स्लो ही खेलते हुए वो दिखाई देंगे, पर ठीक है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, ठीक है। शाद जफर, जफर का प्रदर्शन कैसा होगा आज के मैच का? ओके, काफी बैलेंस बनाते हुए वो इस मैच को खेलते हुए दिखाई देंगे। काफी उनकी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैच हमारे हाथ में रहे, पूरी इसी कोशिश में जुटे हुए रहेंगे वो। कलीम सना, ओके गुड। निकोलस के रिटर्न, निकोलस एवरेज एनर्जी, परगत सिंह है, परगत सिंह है, ओके गुड। फिर है निखिल दत्ता, ओके वेरी गुड वेरी गुड। अगर ये प्लेयर खेलता है तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इस प्लेयर का हमें देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कनाडा की टीम के लिए कार्ड्स की जो एनर्जी थी। अब आगे हम देखेंगे पाकिस्तान की टीम के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स पाकिस्तान के लिए। चलिए, 11 तारीख के मैच में बाबर आजम का प्रदर्शन कैसा होगा? ओ वाओ, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन बाबर आजम इस मैच में कर सकते हैं, बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। मोहम्मद रिजवान, ओके गुड। फकर जमान ठीक है, एवरेज कंडीशन है। उस्मान खान, उस्मान खान वेरी गुड। द मैजिशियन, यदि उस्मान खान इस मैच में खेलते हैं तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। आजम खान नेगेटिव, इफ्तियार अहमद एवरेज कंडीशन, शदाब खान वेरी गुड, मोहम्मद आमिर मोहम्मद, ओके गुड। शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन अफरीदी, ओ वाओ, अच्छा खेलते हुए दिखाई देंगे शाहीन अफरीदी भी। बट कहीं ना कहीं हम ऐसा भी देख रहे होंगे कि वो विकेट लेने का जितना ज्यादा प्रयास कर रहे हैं उतनी ज्यादा सफलता उनको मिलती हुई नहीं दिखाई दी। कहीं ना कहीं कुछ व्यर्थ सा जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो नेगेटिव रहेंगे, वो बहुत पॉजिटिव रहेंगे, बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। पर कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा इस तरीके से दिखाई देगा कि कहीं धीरे विकेट आई है उनकी तरफ से, क्योंकि कार्ड बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा ये भी देखने को मिल सकता है कि मेहनत थोड़ी सी फिजूल हो रही है। मोहम्मद आमिर, अच्छा सॉरी ये तो देख लिया। नशीम शाह, नशीम शाह, नशीम, ओके ये नेगेटिव है। नशीम शाह, हारिस रऊफ, हारिस रऊफ वेरी गुड वेरी गुड। हारिस रऊफ की तरफ से तो बहुत पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। तो दोनों ही टीमों में देखिए पाकिस्तान टीम काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है और काफ़ी मजबूत भी यहाँ दिखाई दे रही है। कनाडा की टीम में भी काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, पर बाकी तो देखते हैं कि प्लेयर्स प्लेग्राउंड पे क्या करते हैं, किस तरीके से वो खेलते हैं, क्या प्लान है उनके दिमाग में। कार्ड्स ने जो एनर्जी शो की हमने तो बस वही आपसे शेयर की है। थैंक यू।